मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रताप इंटर कॉलेज बोराड़ी टिहरी में जनपद की 533 करोड़ रुपए की कुल 138 विकास योजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें 158 करोड़ रुपए 45 विकास योजनाओं के लोकार्पण और 375 करोड़ रुपए के 93 शिलान्यास शामिल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा विकास कार्यों पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। राज्य स्तरीय एलिट महिला और पुरुष बॉक्सिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ भी इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पहली किस्त के 1,120 लाभार्थियों को कुल 6,72,00,000 की धनराशि का डमी चेक प्रदान किया गया। यह धनराशि लाभार्थियों के खाते में डिजिटल माध्यम से दी गई है। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि टिहरी हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज को ITI का स्वरूप प्रदान किए जाने का प्रयास किया जाएगा। भारत सरकार को इसका प्रस्ताव भेजा जाएगा। नई टिहरी शहर हेतु रिह से शुद्ध पेयजल की योजना तैयार कराई जाएगी। नई टिहरी नगर के पिकनिक स्पॉट को इको पार्क के रूप में विकसित कर पर्यटकों की सुविधा हेतु संचालित किया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के छाम बुलडोगी में पैदल झूला पुल का निर्माण कराया जाएगा। राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय थान का इंटरमीडिएट स्तर पर उच्चीकरण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ये सभी विकास कार्य आने वाले समय में हमारे प्रगति के स्तंभ बनेंगे। हम केवल फैसले ही नहीं ले रहे बल्कि इनको धरातल पर भी उतार रहे हैं। जिसने एक से महान विभूतियों को जन्म दिया है, जिसके बारे में अभी हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय किशोर उपाध्याय जी ने उसका वर्णन किया, बरूनी जी, वीर गब्बर सिंह जी, श्रीदेव सुमन जी जैसे अनेकों ने हस्तियों ने इस वीर भूमि में, इस देव भूमि में जन्म लिया है और अपने महान कार्यों से संपूर्ण भारत को एक दिशा देने का काम किया है। आज यहाँ पर लगभग 533 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया है। निश्चित रूप से ये सभी आने वाले समय में ये विकास कार्य हमारी प्रगति के स्तंभ बनेंगे।